वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। मोबाइल में जब भी आपको कॉइल पर वोल्टेजेस चेक करने तो PWM के साथ कैसे चेक होना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कॉइल पर एक तरफ आपको वोल्टेज दिखेगा और एक तरफ आपको पल्सेस दिखेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि ये पावर IC, इसके अंदर सारा सर्किट MOSFET से रिलेटेड सब कुछ बना होता है, तो ये बाहर कॉइलों पर आपको जब चेक करना है तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, चलिए देखते हैं। तो जब भी आपको कॉइल पे वोल्टेज चेक करना है तो देखिए वोल्टेज कैसे चेक होगा वो भी दिखा देता हूँ आपको, और इसके अलावा जो सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना है, ये देखिए दोनों चीज़ आप देखिए, DSO भी हमारे पास, तो ये दोनों का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोनों में आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का आपको दिक्कत ना रहे। एक्चुअल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट, एक्चुअल अगर आपको काम सीखना है आप रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल को ज्वाइन करें। रिंगर, वाइब्रेटर, फोल्डर, टच ग्लास, ये सब हम एक दिन में करा देते हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं होता ऐसा कि आपका समय बर्बाद हो। तो आइए चलते हैं। तो ये देखिए हमने DSO भी रख लिया है। अब जब भी आपको कॉइलों को चेक करना है तो कॉइलों को चेक करते समय आपको क्या ध्यान देना है, ये मैंने इसको यहाँ पर ग्राउंड कर लिया है। अब जब आप कॉइल पर चेक करेंगे तो मल्टीमीटर पर वोल्टेज देखिएगा, मल्टीमीटर पर वोल्टेज आपको दिखेगा, ये देखिए 1.14 दिखा रहा है। अब आप DSO पे देखिए, DSO पे एकदम एक सीधी लाइन आ रही है, ठीक है, क्रॉस करके लेना। और जब आप दूसरी तरफ चेक करेंगे तो आपको देखिए इस तरह से क्या होगा, दूसरी तरफ से सिग्नल्स इस तरह से आपको वोल्टेज के साथ दिखने चाहिए सारी कॉइलों पर। देखिए एक तरफ क्लियर, एक तरफ PWM। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, ये देखिए ध्यान से, ये मैं पावर IC के पास आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपके वोल्टेज तो क्लियर होंगे और कई बार मोबाइल क्या करेगा, डिस्प्ले नहीं देगा। तो ये चीज़ आपको हर जगह कॉइल जितनी भी लगी होती है यहाँ पर आपको इस तरह से क्या होना चाहिए, PWM के सिग्नल जरूर मिलने चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहे हैं, इसके अलावा कैपेसिटर पे आपको नहीं मिलेगा, देखिए कैपेसिटर पे आपको सीधा वोल्टेज मिलेगा, दिख रहा है, और दूसरी तरफ ग्राउंड होता है। लेकिन कॉइलों पर आपको देखिए, ये देख रहे हैं आप चीज़, ये सीधा का सीधा इस तरह से क्या करेगी, काम करेगी। तो दूसरी तरफ आपको क्या होना चाहिए, इस तरह से चीज़ों को देखना आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं आती तो मान के चलिएगा कि आप रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आप बहुत महंगा DSO नहीं ले सकते तो आप एक नॉर्मल DSO लेके भी क्या कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। तो ये 2,500 का DSO आ जाता है। देखिए मैंने इसको बटन से ऑन किया है, आपने देखा कैसे ऑन किया, इसको ग्राउंड किया और ये दो नंबर पावर को यहाँ से आपने टच कर लेना है तो भी मोबाइल क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और इस तरह से देखिए फिर ये चेक हो रहा है सारी चीज़ें, क्लोज ले भाई, क्लोज लेके काम कर। और इस तरह से आप देखिए दोनों तरफ से आपको ये चीज़ें क्लियर चेक करना आना चाहिए। अदरवाइज कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि वोल्टेज प्रॉपर है, लेकिन अगर इस तरह से कॉइल पर आपको दोनों तरफ से चेक करने पर, मैं आपको बता देता हूँ PWM और एक तरफ से क्लियर चीज़ क्या होना चाहिए, मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं मिल रही है तो ये दिक्कत का मामला है और आपका मोबाइल क्या करेगा, डिस्प्ले की दिक्कत ज़रूर कर देगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जब आप वोल्टेज को चेक कर रहे हैं, जब आप वोल्टेज चेक करें तो वोल्टेज में ग्लिच भी नहीं होना चाहिए। अगर वोल्टेज में ग्लिच है तो भी क्या होगा, मोबाइल डिस्प्ले देखिए फिर से बंद हो गया। मैं इसको फिर से यहीं से चालू करता हूँ, ये देखिए फिर से हम चालू कर रहे हैं एक बार, ये देखिए चालू हो गया डिस्प्ले, वो देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ले लिए, अब देखिए एम्पियर ले लिया, अब देखिए ये देखिए, अब जो दूसरा तरफ है वो जो वोल्टेज एकदम क्या होना चाहिए, क्लियर। अगर इस वोल्टेज में ग्लिच है तो मल्टीमीटर पे तो वोल्टेज क्या करेगा, 2.03 दिखाएगा, लेकिन DSO आपको क्या दिखा देगा, अगर वोल्टेज में ग्लिच है तो वो भी दिखा देगा। तो ये आपको सबसे पहले पावर IC के पास VPROC वोल्टेज, मॉडम के वोल्टेज, कोर के वोल्टेज, समझ रहे हैं आप, इसके अलावा LDO जितने वोल्टेज है, इसके अलावा जितनी चीज़ें होती हैं वो सब आपको देखिए 3.75 वोल्ट, ये वोल्टेज की बात करूँ। देखिए जब आप कैपेसिटर पर जाएंगे तो कैपेसिटर पर आपको क्या होगा, एक तरफ से ग्राउंड मिलेगा और एक तरफ से आपको क्लियर वोल्टेज दिख रहा है आपको, ये वोल्टेज बिल्कुल साफ होने चाहिए। अब अगर इस वोल्टेज में अगर कुछ डाउन हो रहा है तो भी क्या है, आपका मोबाइल मतलब वोल्टेज क्लियर नहीं है। और कॉइलों पर तो मैंने आपको बता ही दिया, इस तरह से आपको दोनों तरफ से चेक करना आना चाहिए। इसके अलावा लाइट सेक्शन को हम खोलेंगे तो वहाँ की कॉइल पर भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्लियर हो गया, तुम्हें DSO से चेक करना आ गया। इसके अलावा इसमें SDA और SCL भी हमें चेक करना होता है, तो स्कीमेटिक देखेंगे तो SDA और SCL जब आप चेक करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। जैसे मैंने लैपटॉप के वीडियो में बता रखा है कि जब आप HD और SCL चेक करने जाएंगे तो देखिए जैसे DC वोल्टेज की एक लाइन दिखा रहा है तो बीच बीच में ऐसा क्या होगा, ऐसे सिग्नल्स क्या होंगे, डेटा के क्या होंगे, आना चालू होंगे, मतलब एक इस तरह से ब्लॉक बन बन के थोड़ी थोड़ी देर में क्या होगा, आएगा। मैं इस मोबाइल को अभी आगे और हम खोलेंगे और इसका स्कीमेटिक भी निकालेंगे तो इसमें हम सारी चीज़ें चेक करेंगे कि कहाँ पर
SDA है, कहाँ पर SCL है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करूँगा मैं करके दिखाऊंगा। तो ये चीज़ आपको इसमें अच्छे से देखना आना चाहिए, तब जाकर आप चीज़ों को क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। निकालना, लगाना, थ्योरी इंस्टीट्यूट, रात भर इंटरनेट से पढ़ना, प्रैक्टिकल, रिंगर, वाइब्रेटर, फोल्डर, पत्ता लगा देना, बहुत मामूली चीज़ है। हमारे यहाँ के प्यून नॉन टीचिंग स्टाफ भी ये सब चीज़ें कर लेता है। तो ये आपका मोबाइल पर मैंने आपको बताया इस तरह से आपको चेक करना होता है, और इसको ऑन करने का तरीका मैंने आपको बताया कि ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ग्राउंड कर लेना है, और ग्राउंड करके जो पावर पिन है इसका 2 नंबर का है, उससे आप इसको क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। देखिए ऑन हो गया, ठीक है, ये ऑन यहाँ से भी हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन यहाँ से ऑन करते समय एक्सपीरियंस होना चाहिए और कहीं आप इसको टच ना करें। फिर आप नॉर्मल मल्टीमीटर पर सारे वोल्टेजेस चेक ही कर लेंगे, ये मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को, क्लास में सारी चीज़ क्लियर करा दी है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से देखना आना चाहिए। अब अगर पावर आईसी बिना ऑन किए वोल्टेज नहीं निकाल रही है, मतलब हमने उस पर क्या लगाया, मीडिया या कॉलकॉम के हिसाब से बैटरी या अडाप्टर की जो भी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर भी बीक प्रॉक और बी मॉडर्न वोल्टेज क्या हो जाने चाहिए, बन जाने चाहिए। ऑन होने के बाद जो CPU से वॉच डॉग वगैरह के सिग्नल है वो भी आपको चेक करना इसमें आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बैटरी के चार्जिंग वोल्टेजेस भी हम चेक करना, मैं बताऊंगा कैसे क्या सिस्टम होता है, उस पर भी हम बहुत जल्दी वीडियो डालेंगे। तो ये इस तरह से आपको इसमें ये लगी होती है पावर आईसी के पास, इधर दिखाओ, ये पावर आईसी के पास यहाँ पर लगी होती है बक कॉइलें, इसी पे वी प्रॉक वोल्टेज, मॉडर्न वोल्टेज, इसके अलावा कैपेसिटर्स पर LDO वोल्टेजेस, मतलब कई तरह के वोल्टेजेस इसमें क्या होते हैं, EMMC के लिए, CPU के लिए, बहुत तरह के वोल्टेजेस ये क्या करती है, निकालने का काम करती है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।